Your Royal Highness Mohammed Bin Salman Bin Abdul Aziz Al Saud Sadeki Marhaba Bikum Fil Hind. Friends, भारत में उनके पहले राजकीय दौरे पर रॉयल हाइनेस और उनके डेलीगेशन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारत और सऊदी अरब के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं और यह सदैव सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। हमारे लोगों के बीच के घनिष्ठ और निकट संपर्क हमारे देशों के लिए एक सजीव सेतु यानी लिविंग ब्रिज है। हिज मैजेस्टी की और रॉयल हाइनेस आपकी व्यक्तिगत रुचि और मार्गदर्शन से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में और भी प्रगाढ़ता, मधुरता और शक्ति आई है। आज 21वीं सदी में सऊदी अरब भारत के सबसे मूल्यवान स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में है। यह हमारे विस्तृत पड़ोस में है, एक करीबी दोस्त है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। 2016 में सऊदी अरब की मेरी यात्रा के दौरान हमने अपने संबंधों को विशेष रूप से ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्रों में कई नए आयाम दिए थे। आपसे अर्जेंटीना में 2 माह पहले हुई मुलाकात के परिणाम स्वरूप सुरक्षा, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सार ने नया विस्तार लिया है। मुझे खुशी है कि आपके सुझाव की रूपरेखा के अनुसार हम द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की स्थापना के लिए सहमत हुए हैं। इनसे हमारे संबंधों को मजबूती, गति और प्रगति का लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, आज हमने द्विपक्षीय संबंधों के सभी विषयों पर व्यापक और सार्थक चर्चा की है। हमने अपने आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निश्चय किया है। हमारे अर्थतंत्र में सऊदी अरब से संस्थागत निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए हम एक ढांचा स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। मैं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में सऊदी अरब के निवेश का स्वागत करता हूं। योर रॉयल हाइनेस, आपके विजन 2030 और आपके नेतृत्व में हो रहे आर्थिक सुधार भारत के प्रमुख कार्यक्रमों में जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के पूरक है। हमारे ऊर्जा संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील करने का समय आ गया है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में सऊदी अरब की भागीदारी हमारे ऊर्जा संबंधों को बायर सेलर रिलेशन से बहुत आगे ले जाती है। हम अक्षय ऊर्जा के क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस में सऊदी अरब का स्वागत करते हैं। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, विशेष रूप से वाटर डिसेलिनेशन और स्वास्थ्य के लिए हमारे सहयोग का एक और आयाम होंगे। विशेषकर अपने स्ट्रेटेजिक वातावरण के संदर्भ में हमने आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत करने
और उसका विस्तार करने पर भी सफल चर्चा की है। पिछले साल भारत सऊदी अरब में प्रतिष्ठित जनाद्रिया समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर था। आज हमने अपने सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। व्यापार और पर्यटन को बढ़ाने हेतु सऊदी अरब के नागरिकों के लिए ई वीजा का विस्तार किया जा रहा है। भारतीयों के लिए हज कोटे में वृद्धि के लिए हम हिज मैजेस्टी और रॉयल हाईनेस के बहुत बहुत आभारी हैं। 2.7 मिलियन भारतीय नागरिकों की सऊदी अरब में शांतिपूर्ण और उपयोगी उपस्थिति हमारे बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। रॉयल हाईनेस ने सऊदी अरब की प्रगति में उनके सकारात्मक योगदान की प्रशंसा की है। आपने हमेशा उनकी भलाई का ख्याल रखा है, इसके लिए उनका आभार और दुआएं हमेशा हमेशा आपके साथ है। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते पुलवामा में हुआ बर्बर आतंकवादी हमला इस मानवता विरोधी खतरे से दुनिया पर छाए कहर की एक और क्रूर निशानी है। इस खतरे से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए हम इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट करना और इसको समर्थन समाप्त करना और आतंकवादियों और उनके समर्थकों को सजा दिलाना बहुत ही जरूरी है। साथ ही अतिवाद के खिलाफ सहयोग और इसके लिए एक मजबूत कार्य योजना की भी जरूरत है, ताकि हिंसा और आतंक की ताकतें हमारे युवाओं को गुमराह न कर सके। मुझे खुशी है कि सऊदी अरब और भारत इस बारे में साझा विचार रखते हैं। फ्रेंड्स, पश्चिम एशिया और खाड़ी में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में हमारे दोनों देशों के साझा हित है। आज हमारी बातचीत में इस क्षेत्र में हमारे कार्यों में तालमेल लाने और हमारी भागीदारी को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति हुई है। हम इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि काउंटर टेररिज्म, समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में और मजबूत द्विपक्षीय सहयोग दोनों देशों के लिए लाभप्रद होंगे। योर रॉयल हाईनेस, आपकी यात्रा ने हमारे रिश्तों के तेज विकास को एक नया आयाम दिया है। मैं एक बार फिर हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए रॉयल हाईनेस का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उनके और प्रतिनिधि मंडल के सभी सदस्यों की भारत में सुखद प्रवास की कामना भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।